हे गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर अर्जेंटीनियन लीग का मैच हो रहा है सीसीएस वर्सेस टीजी के बीच 6 घंटे 40 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को पुछताछ नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो ये जो सुबह मैच 6 बजे होगा, ये बहुत अच्छा मैच है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिन के हिसाब से ना, अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी करना चाहते हो ना, तो भाई ये मैच ज़रूर खेलना, क्योंकि बहुत बढ़िया मैच है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूर खेलो, जो लोग इतने बजे उठ जाते हैं या जो लोगों को शौक है मॉर्निंग मैच खेलने का, उनके लिए ये बहुत तगड़ा मैच है। तो मैं बात करूँ गोलकीपर से, तो यहाँ पर हमारा पहला प्लेयर है क्रिस्टोफर टोसेली। क्रिस्टोफर टोसेली ने जैसे कि लास्ट मैच के अंदर अपनी वापसी की थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंजर्ड चल रहा था, तो इसकी जगह रिगा मोंटी ने गेम संभाली हुई थी। रिगा मोंटी ने भी अच्छा संभाला, मैं वो नहीं कह रहा, बाकी दोनों में से जो भी खेलेगा भाई मैं तो लेने को तैयार हूँ। मेरे को कोई च्वाइसिस नहीं है गोलकीपिंग की, क्योंकि गोलकीपिंग में एक टीम से एक ही गोलकीपर खेलता है, ये तो बच्चे को भी पता होगा, इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं उठती ना गोलकीपर की। आगे से अगर बात करें जैसे प्रीटो, तो प्रीटो ने लास्ट मैच के अंदर जैसे पीएलए के खिलाफ बड़ी अच्छी क्लीन शीट लगी थी, बट वो मैच था 24 जुलाई का। जैसे कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना निकलने को हो गया है, तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ऊपर हो गया है। तो 2.5 महीने में तो बहुत कुछ चेंज आया है। ये आपको लग रहा है कि प्रीटो वही प्रीटो, ऐसा नहीं, प्रीटो और स्ट्रांग हुआ है और ब्लॉन्डल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इन दिनों। और जैसे कि पिछले मैच में वी कैबरेरा ने जो गोल लगाया था 24 जुलाई को, तो लोग उसी को पीछे लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैबरेरा ने और भी प्रोग्रेस किया, मतलब इनका हर प्लेयर ने, मेरे को टीजी का हर प्लेयर ने एक बढ़िया रिस्पांस दिखाया। मैं आखिरी मैच के कुछ इनके प्रेडिक्शंस कर रहा था या कुछ एनालाइजमेंट देख रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके अंदर मैंने देखा कि पहले तो टीजी टीम जीतेगी, भले ही अवे में मैच है, ठीक है, ग्राउंड मैटर नहीं करता, कंट्री मैटर करती है और वो एक ही है, ठीक है, तो वो छोड़ दो। अर्जेंटीना में मैच है तो वही, वो भी अर्जेंटीनियंस है, तो कई बार के प्लेयर है और वो भी कई अर्जेंटीनियंस है और कई बार के प्लेयर है, तो ये मैटर नहीं करता जहाँ प्रैक्टिस करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फुटबॉल में नहीं मानता मैं चीज़। एंड ऐसा एलेक्सेंड्रो मार्टिनेस की बात करें, मार्टिनेस को असल रहने का कारण है सॉरियर का ना खेलना। अगर सच्ची सॉरियर खेलता है तो मैं मार्टिनेस को बेधड़क अपनी टीम में ड्रॉप करूँगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एच लोपेस को ड्रॉप नहीं करूँगा। आपको पता है लोपेस को मैं कितनी बार, मतलब आप लोगों को बोलता हूँ कि कैप्टन रखो, लेकिन जब बोलता हूँ अगले दिन ये खेलता ही नहीं है। जिस दिन बोल दूंगा कैप्टन रख लो, जब सुबह उठता हूँ वो बंदा लाइनअप्स में नहीं होता, इसलिए आज मैं कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ टीम में ले लो। एंड मनोसी की बात करें, तो मनोसी देखो बहुत बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसकी प्ले में बहुत गिरावट आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि मनोसी लगते ही गोल कर देगा या फिर मनोसी बहुत ज़्यादा ही गोल्स कर देगा, देन यू आर रॉन्ग, इतने गोल वो नहीं कर पाएगा जितना आप समझ रहे हो। इसलिए जो फॉर्म में है वो है अलेक्सिस कैस्ट्रो। तो ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो, जो लोग एनालाइज़ नहीं कर पाए, जिनके पास टाइम नहीं था, उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये कैस्ट्रो बड़ा काम का प्लेयर है। अगर आप सोच रहे हो मिनी जीएल खेलने की या फिर जीएल खेलने की, तो उसके अंदर कैस्ट्रो का बहुत मेन रोल रहेगा, इसको वाइस कैप्टन ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि अलेक्सिस कैस्ट्रो ने लास्ट के 3 मैचेस में बहुत बेधड़क गेम्स खेली हैं, तो कैस्ट्रो को ड्रॉप तो करना ही नहीं है। भले आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, इसको ड्रॉप नहीं करना, नहीं तो हार जाओगे। कैस्ट्रो को मस्ट पिक है, कैस्ट्रो लेना है, की प्लेयर है। आगे से अगर बात करें आप गोंजालेस की, देखो गोंजालेस सर आप ड्रॉप करो, जो लो ना लो वो आप पे डिपेंड है, बट हम लोग लेंगे। एंड रेटिग्यू इस सीज़न का मोस्ट गोल करने वाला स्ट्राइकर, जो कि हर साल ही ऐसा खेलता है, तो रेटिग्यू में बहुत प्रोग्रेस आई है। जैसे कि जुलाई के मंथ के बाद जो इस बंदे ने सितंबर में जो किया था ना, जो गोल धपाधप एक मैच में दो दो गोल करे ना, वो बहुत मायने रखते हैं। एंड कैलिडियो देखते हैं कैसा खेलता है। कैलिडियो के बारे में मैं श्योर नहीं हुआ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कैलिडियो के बारे में, मुझसे प्रेडिक्शन मत ही मांगो तो सही है, क्योंकि कैलिडियो यार बहुत अटपटा प्लेयर है। मेरे को पता है, मैं देखो मेरी टीम देखो, मेरा कैप्टन कौन है, रेटिग्यू, ठीक है, और वाइस कैप्टन मैंने देखो कौन है, कैलिडियो। तो मेरे आपको पता है कैलिडियो को मैं रख तो रहा हूँ, मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है। ये मैं क्यों रख रहा हूँ पता है, रिस्क ओनली एट माय ऑन रिस्क। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरा रिस्क तो है, लेकिन अगर आपको सेफ जाना है तो या तो आप मनोसी के साथ जाइए, ठीक है, ये भी लिटिल रिस्की है बट ठीक है। एंड कैबरेरा तो बिल्कुल ही सेफ हो गया, ठीक है, तो और मैं जाऊँगा इसके साथ, मैं कैलिडियो के साथ रिस्क लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।